रही हूं। ठीक है, ये बताओ तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर। जिसका खून हुआ है वो तुम्हारी माँ है। सच बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। तुम जा सकती हो। तुमसे नहीं, उनसे। ओ, ऐसा क्या? सर, नमस्ते। ये टीवी कलाकार दीपा की फाइल है सर। और ये इनकी गुप्त वीसीडी है सर। नहीं सर, जब से रेड पर गए हैं तब से सभी वीसीडी को गुप्त वीसीडी समझ रहे हैं सर। ये उनकी फाइल है सर। ए, डीवीडी वीडियो टीवी शो। हाँ सर, ये उनके टीवी शो का वीडियो है। 407। यस सर। जाकर सबके लिए चाय लाओ। यस सर। अरे जा जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। ऐसी बात है तो एक काम करो, छुट्टी लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ सैर करने चले जाओ। यस सर। नहीं सर, नहीं सर। बेकार खड़े रहने से अच्छा कॉफी लेकर आओ। ठीक है सर। सर, मुझे तो उस राजा पे शक हो रहा है सर। नहीं शिवम, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं सर? जिस तरह से खून हुआ है उस तरीके को देखकर। ऐसे कैसे सर? जिस तरह से उसकी जीप काटी गई उस हिसाब से सब पता चलता है। इसी तरह दीपा की जुबान ही इसमें अहम थी। वो कुछ ना बोल सके इसलिए पहले उसकी जीप काटी गई। दीपा अपनी जुबान से ही पैसा कमाती थी। हर बात के लिए उसे पैसा मिलता था। जैसे कुछ लोग अपनी ही गलती की सजा पाते हैं, वैसे ही ये भी अपनी बातों के कारण मारी गई। सर, कुछ समझा नहीं सर मैं। कुछ लोग बात करते हैं तो कितनी भी देर सुनने में हम लोगों का मन नहीं भरता है। कुछ शायरों की शायरी सुनने से हम खुद को भूल जाते हैं। उसी तरह दीपा की बात करने की क्षमता ही उसका हथियार था। सर, बुरा मत मानिएगा, मैं अभी भी नहीं समझा। परेशान मत होइए, सब समझ में आ जाएगा। जहां तक मैं समझ रहा हूं वो खूनी यही कहीं है। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द मेरी गिरफ्त में आएगा। चलिए मेरे साथ। स्टॉप। टी। शक्ति भवन। कॉफी उसका बड़ा भाई सराबना भवन। ओके चलते हैं। चार सौ सात सर। चाय कहाँ है? सॉरी सर, ठंडी हो गई सर। कॉफी भी ठंडी हो गई सर। सर, इस चाय का क्या करूँ सर? इसके सिर पे डाल दो। ओके सर। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इस कॉफी का क्या करना है ये पूछने जा रहा हूँ। मेरे मुंह पे डालने के लिए कहेंगे तो डाल दोगे क्या? ओके। मैंने पुलिस से एक सच्चाई छिपा दी, लेकिन तब मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी। उसका नाम राजेश है। ये क्या कह रही हो? इतना कुछ हो गया और तुमने पुलिस से ये बात छिपाई? कहीं राजेश ने ही तो तुम्हारी माँ का खून नहीं किया? तुम इससे कहाँ मिली थी बोलो? मैं इतना कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना। बोलते क्यों नहीं, बोलो। एक्सक्यूज मी, एमडी का कैबिन कहाँ है? एमडी उनका कमरा यही है, आइए। एक्सक्यूज मी, इस कंपनी का अगला एमडी मैं ही हूँ, और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझसे कह सकती हैं। ओके थैंक्स। वेलकम। अजय, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई।
वाह यार, क्या नाचते हो तुम। हाँ मुबारक हो। शुक्रिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ऑफिस में एक मस्त लड़की आई है, बहुत सुंदर है, देखने में ना वो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। सही कह रहा है क्या? सच में यार, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना, वो लड़की वैसी नहीं है, वो किसी के हाथ नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो, इतना घमंड है उसे कि वो किसी के हाथ नहीं आने वाली है? वो घमंडी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि उसकी माँ टीवी कलाकार है और अंतरात्मा प्रोग्राम के होस्ट द ग्रेट दीपा है ना, ये उसकी बेटी है। क्या कहा, टीवी कलाकार दीपा की बेटी है? यस। अरे यार, दीपा जब खुद ही अरबी घोड़ी की तरह है तो उसकी बेटी कैसी होगी? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं तो उसे देख कर आ रहा हूँ, तुम उसकी पूरी डिटेल सुन लो। हाँ बोलो। लड़की का नाम है सुधा। अच्छा। उम्र है 21 साल और उसका पता है अडियार बोट क्लब नंबर 18। अच्छा। उसने इस कॉल सेंटर में पैसा कमाने के लिए ज्वाइन नहीं किया है, टाइम पास करने के लिए ज्वाइन किया है। खास बात, उसे आसानी से कोई लड़का पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे देख करके वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। अबे कुछ तो शर्म करो। जब वो पहले दिन काम पर आई थी तो सबसे पहले मुझसे ही बात की थी। अबे यार, इतनी जानकारी बहुत है, बाकी सब जो है मैं संभाल लूंगा। Yes, come in. Hello, uncle. Hey. Good morning. Very good morning. आ बेटी सुधा, तू काम पे आने वाली है ये सुन के मम्मी बताई तो बहुत ही खुशी होगी मने, पर तने काम करने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है अंकल, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तारी बात सही है, जिंदगी में अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैं तारी लगन की बहुत कदर करता हूँ। आ जा, तुझे स्टाफ से मिलवा दूं। आ जा। आ कंपनी को मैं बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। हाँ। मारा साथियों, आज सुधा है, आज से ये अठाई काम करेगी, आपके साथ काम करने वाली है, तो आप सब इसको कोऑपरेट करो प्लीज। ऑल द बेस्ट माय डियर, टेक केयर। Hi, 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 I'm Nisha. Hi, I'm Sudha. Hi, I'm Sapna. Sure, thank you. Hi, I'm Ishwari. Pleasure. Nice to meet you. Thanks. Hi, I'm Manjusha. Hi, nice meeting you. Thank you so much. Hi, I'm Guna. Hi. Hi, I'm Rajesh. I'm Sudha. जान खा रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? दो ही दिन हुए हैं आके और तुम्हें कोई पटाने की कोशिश कर रहा है? मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं। अगर गुलाब का फूल हो तो सभी उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, लेकिन अगर गेंदे का फूल हो तो उसे कोई भी नहीं देखता, और तू बिल्कुल गुलाब जैसी है। एमडी कहाँ चले गए? कहीं वो कॉन्फ्रेंस रूम में तो नहीं है? ये लंगूर यहाँ पर क्यों नाच रहा है? ए रुक 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 रुक, बस कर बस कर बस कर बस कर, एक रुकना। अच्छा, तुम और तेरी बहन सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाते हो? अंदर चल क्या रहे हैं?
जब तुम्हारी बहन अंदर जाती है तो चमकते हुए पीतल के बर्तन जैसी होती है, लेकिन जब बाहर आती है तो पुरानी बाल्टी जैसी हो जाती है। और अगर एमडी को देखो तो वो पसीने में तर होता है और तो और डरी हुई लोमड़ी की तरह सहमे हुए भी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे चूहा बिल्ली के सामने हो। ए सच बताना अंदर क्या चलता है, ए तू मेरा अच्छा दोस्त है बता देना। मेरी दीदी योगा टीचर है, वो तुम्हारी एमडी को योगा सिखाती है। वाओ, बस इतना ही नहीं, इनकी उम्र के सभी लोगों को मेरी दीदी योगा सिखाती है। वाओ, मेरी दीदी से योगा सीखने से तुम्हें पता है गंगाधर भी शक्तिमान बन जाता है। समझ गए बॉस, तो सीख लो। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मेरी खूबसूरती और जवानी का राज मेरी दीदी का योगी है। जब भी कोई लड़की देखो मेरे अंदर। सर अगली बार आऊंगी ना तब मैं आपको 64 मूवमेंट अलग से सिखाऊंगी। पक्का पर भूल जा मत। ओके ओके श्योर सर। ओके ओके बाय। रहने दीजिए, पहले इन फाइलों पर साइन कर दीजिए और जब नहा लें तो फोन कर दीजिएगा, लेने के लिए आ जाऊंगा। कहीं ने खबर तो नहीं पड़गी? It's all right. बस में तो इन बुड्ढों ने बड़ा परेशान करके रखा है। सच में यार, बस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबने परेशान करके रखा है। बिल्कुल पता नहीं कौन है यार, रोज SMS करके परेशान करके रखा है। कॉल करने से फोन नहीं उठाता। अपने ऑफिस का स्टाफ तो नहीं है? जरा दिखाना, ये नंबर है क्या? हाँ यही नंबर तो है। लगता है अपने ही ऑफिस का कोई है। यार सिस्टम खराब था, तूने ठीक कर दिया क्या? हाँ वो तो कल ही कर दिया। तुम इस काम में माहिर हो भाई। सुधा कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस का नंबर अलग और पर्सनल नंबर अलग हो? और नहीं तो क्या, जैसे लोग डबल सिम कार्ड यूज करते हैं वैसे ही डबल गर्लफ्रेंड भी यूज करते हैं, इसीलिए कहा नहीं जा सकता कौन कैसा है। वो भले ही कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन मेरे हाथ आ ही जाएगा। जिस दिन मेरे हाथ आया ना। सुन रहे हो, तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। ये डायलॉग तो अक्सर तुम बोला करते हो ना। ए सुधा, मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। साथ मेरे केबिन आ। तूने क्या किया है जाने है? ये बात उसकी माँ को पता चली तो क्या होगो? मैंने उसकी माँ की तस्वीर नहीं उतारी। अच्छा तो तू की माँ की तस्वीर उतारना चाहे? तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ कोई खूबसूरत चीज की फोटो नहीं ले सकता क्या? उसी तरह मैंने भी ली। अरे यार आपकी उम्र हो गई है और मैं अभी जवान हूँ यार, समझा करो ना, थोड़ा एडजस्ट करो। तू जाने है किस बात कर रहे है तू? क्या आपको अपना नाम नहीं पता? आपको बताऊं क्या? हाँ आपका पूरा चरित्र पता है मुझे। अगर मैं चाहूँ तो तुझे काम से निकाल सकूँ। ओए मजाक कर रहा है क्या? क्या बोलकर तू मुझे काम से निकालेगा? मैंने काम नहीं किया इसलिए, या मैंने टारगेट पूरा नहीं किया इसलिए? एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है इसलिए मैं तुझे काम से निकाल सकूं हूं। सुपर है। अब जो कहा ना वो बिल्कुल सही है। थैंक यू। तो इस हिसाब से मैं भी तुम्हें काम से निकाल सकता हूं। काई बके है, मेरी कंपनी है। हेलो हेलो, काम से निकालने का मतलब काम से नहीं है? पुलिस के हवाले कर दूंगा कह रहा हूँ। मैं कुछ समझो नहीं। तुम्हारी बीवी को पता नहीं है कि तू सुंदरी के साथ रात को मस्ती करके उसके साथ उठक बैठक करते हो और भूखते हो, कुछ नहीं पता? मैंने सब मोबाइल में शूट किया है, तेरी बीवी को दिखा दूं क्या? नहीं, नहीं। या पूरे स्टाफ को व्हाट्सएप कर दूं? कर दूं क्या? हाँ बोला। नहीं नहीं। अबे ठरकी, 60 साल की उम्र में तू खुद पर काबू नहीं रख सकता? 61।
तो 20 की उम्र में मैं कैसे काबू रखूंगा यार, समझा करना यार तू। थोड़ो मुश्किल तो है। सुन बुढ़ाओ, अगर तू चाहता है कि बात बाहर ना जाए तो इस महीने से सैलरी जो है ना बढ़ा के दे देना, नहीं तो तेरी जो करतूते है ना समझ गया ना ए, तू विलेन को नहीं, अच्छा बनकर फिरे वाला बुरा आदमी है। आज शाम को तुम फ्री हो क्या? हाँ हूँ, क्यों? मेरे पास 2 टिकट है, फर्स्ट शो देखने चले? मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। क्यों यार, बता ना अंदर क्या हुआ? एमडी साहब फन कुचले सांप जैसे हो गए ना। सच्चाई बता दी। कैसी सच्चाई? ए, फिर से उसने मुझे फोटो सेंड किया। ए, या तो हाँ कह दे या तो फिर डांट दे। ए, तू भी ना, अगर वो मेरे हाथ आ गया ना तो देख लेना। ए, छोड़ ना यार, इस उम्र में तू नहीं करेगी तो फिर कब करेगी ये सब यार। हम सब ये कपड़े मेकअप पहनते हैं ये लड़कियों को दिखाने के लिए नहीं, लड़कों को दिखाने के लिए करते हैं। इसे कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती। लड़के मेरे पास देखे इसलिए तो मैं ड्रेस अप करती हूँ। मैं जो तनख्वाह लेती हूँ ना वो कपड़े और फोन पर ही खर्च हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करूँगी तो रात भर मुझे नींद नहीं आती। एक बात सुन, तू 24 कैरेट खरा सोना ही सही और हम तांबे के बर्तन ही सही, क्या कर सकते हैं? अब तुम्हारी परेशानी क्या है तुम ही जानती हो। मैसेज करने वाला कौन है तुम उसे खरी खोटी सुनाना चाहती हो, बस इतना ही ना। उसके मैसेज के लिए ओके का एक मैसेज भेज दो, फिर देखना कैसे अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। बाय। Yes! Hi! Hi! काम शुरू कर दिया क्या? ये मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, कुछ बोलना। वो क्या है कि ये सब क्या है? सॉरी, इतने दिनों से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सॉरी, जस्ट फॉर फन यार, कूल। सुधा प्लीज, सब देख रहे हैं। ए, तू पागल हो गई क्या? मैं भी यही पूछ रही हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा,